चलो, तो हम कर रहे हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और थ्योरी हमारी पूरी हो गई थी। अब भाई आई थिंक होमवर्क में एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन कहाँ तक थे? 11 से 20, 10 तक डिस्कस हो गए थे। ओके, क्वेश्चन नंबर पूछो। डाउट 11 से? हाँ 11 भी है। 11 पे बोल रहा है क्या? तुम बोल लो। 11 कह रहा है, 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 3 इज टू बी फॉर्म्ड यूजिंग 0, 1, 2, 3, 4, 5 विदाउट रेपिटेशन। द टोटल नंबर ऑफ वेज दिस कैन बी डन। तो 0 से 5 के डिजिट है, रिपीट नहीं करने हैं, और 3 से डिविजिबल नंबर बनाना है। ओके, 5 डिजिट नंबर है ना शायद? 1, 2, 3, 4, 5, और यूज करने हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। कितने डिजिट अवेलेबल है? तो मतलब हमें एक छोड़ना है कोई, ठीक है? 5 डिजिट यूज करने हैं, और अगर नंबर 3 से डिविजिबल है तो मतलब वो उसका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो हम ये देखते हैं कौन सा हम छोड़ सकते हैं। अभी मेरे को सम देखो, अगर 5, 4, 9, 12, 14, 15 है, अगर हम 0 छोड़ दे तो चलेगा? दैट मीन्स अगर हम 1, 2, 3, 4, 5 को यूज करके कोई भी नंबर बना ले, वो 3 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। क्या हम 1 छोड़ सकते हैं? हम 14 हो जाएगा। 2 छोड़ सकते हैं? 13 हो जाएगा। नहीं, 2 छोड़ोगे हम 13 हो जाएगा ना, 15 सम है। 3 छोड़ सकते हैं? 3 छोड़ सकते हैं। तो 0, 1, 2, 4 और 5, समझ गए? 4 और 5 नहीं छोड़ सकते हैं, वो सम 3 से डिविजिबल नहीं होगा। सिर्फ दो केसेस बने कि या तो ये 5 डिजिट यूज कर लो या फिर ये 5। अगर ऊपर वाले 5 यूज करोगे तो कितने नंबर? 5 फैक्टोरियल, 5 डिजिट है सबको यूज किया, 5 फैक्टोरियल। नीचे वाले यूज करोगे तो कितने ऑप्शंस? 4 ऑप्शंस, देन 4, देन 3, देन 2, देन 1। तो ये हो गया 96। तो 120 प्लस 96, 216 नंबर हो जाएंगे। हो गया था ना मोस्ट लोगों से? ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है सर? डाउट है या हो गया? किसका हो गया? वाह, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है। कह रहा नंबर ऑफ परमिटेशंस ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 टेकन ऑल एट ए टाइम सो दैट वन इज अपियरिंग समवेयर टू द लेफ्ट ऑफ टू, ठीक है। 3 इज अपियरिंग टू द लेफ्ट ऑफ 4, ये भी समवेयर लेफ्ट, मतलब कहीं भी लेफ्ट में है। 5 समवेयर टू द लेफ्ट ऑफ 6, ये बात समझ में आ रही ना कि 1 कहीं भी हो, बस 2 से लेफ्ट में हो, 2 से आगे ना हो, 2 से पीछे हो। ऐसे ही 3, 4 से पीछे हो और 5, 6 से पीछे हो, ऐसे कितने परमुटेशन बनेंगे? हाँ रिचिता, वन और टू के लिए 9 ऑप्शन है। शुरुआत में 9 प्लेसेस हैं। हाँ, 9 से 2, 9, बेसिकली हमें 9 प्लेसेस फिल करने हैं अंडर सम कंडीशन, ठीक है। आप क्या कह रहे हो फिर? तो 7, बाकी के लिए नहीं यूज करोगे? 6 प्लेसेस हो गए, बाकी 3 भी तो है डिजिट्स। ओके, ठीक बोल रहे, बट आई थिंक समझ में नहीं आया होगा बाकी लोगों को। आ गया क्या? आ गया दो क्यों लेंगे, दो लेके क्या हो गया? फिक्स हो गया, ठीक है। वैसे बात ठीक हो रही है। देखो, दो तरीके हैं तो करने के। पहला तो समझो कि अगर मैं कोई भी दो प्लेस चूज कर लूं, 9 से 2, और 1 और 2 को प्लेस करने का एक ही ऑप्शन है, जो दो प्लेस चूज की उसमें लेफ्ट में 1 और राइट में 2, यही तो हो सकता है। तो सिर्फ सिलेक्शन है इसमें, अरेंजमेंट नहीं 1 और 2 का। 1 और 2 फिक्स है, कोई भी दो प्लेस लोगे लेफ्ट वाले में 1 लिखना पड़ेगा, राइट वाले में 2, और सारे केस कवर हो गए। देखो इसमें 9 से 2 मतलब 2 प्लेसेस चूज करने के सारे तरीके कवर हो गए।
उसके बाद 7C2, फिर से जगह फिक्स है, कोई भी दो प्लेस चूज कर लो, लेफ्ट में 3 आ जाएगा, राइट में 4 आ जाएगा, 3 और 4 है ना, और ऐसे ही फिर से दो प्लेस चूज कर लो, कितने बचे हैं 5C2, इसमें भी फिक्स है फिर कि एक तरफ लेफ्ट साइड आ जाएगा 5 और राइट साइड आ जाएगा 6। अभी 3 डिजिट रह गए, 3 प्लेस है, 3 फैक्टोरियल, समझ गए? कैलकुलेट किस तरह से दिया आंसर, फैक्टोरियल के फॉर्म में है ना, तो ये हो गया 9 फैक्टोरियल, तो सॉल्व हो जाएगा। 9C2 कितना होता है, 9 × 8/2, 9 × 4 हो जाएगा, 7 × 6/2, 5 × 4/2 और 3 × 6। अरे यार ये तो फिर मैच कराना पड़ेगा, फैक्टोरियल बन रहा है क्या, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 फैक्टोरियल इंटू 9 बन रहा है कोई ऑप्शन क्या ऐसा? ठीक है, एक और तरीका भी है, एक और तरीका क्या हो जाएगा, आप ये एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं, वाला तरीका समझ नहीं आया। लेट क्यों आए हो सर, जॉइन नहीं हो रहा था। हमने 9 प्लेसेस में कोई भी दो प्लेस चूज कर ले, हाँ सर, और 1 को 4 के लेफ्ट में आना है ना, सॉरी 2 के लेफ्ट में, तो उन दो प्लेस में लेफ्ट में 1 आ गया, राइट में 2 आ गया, तो एक ही अरेंजमेंट हुआ उसका, हाँ ऐसे ही फिर 7 बचे हुए, 7 में 2 प्लेसेस चूज कर ली, उसमें अगले 2 डिजिट आ गए, ऐसे ही अगले 5 में 2 चूज कर ली, उसमें 2 डिजिट आ गए, बाकी 3 तो फ्री है, कोई भी राइट लेफ्ट हो सकता है। ओके सर, समझ आ गया। एक और तरीका भी है कि 9 नंबर्स के कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है, 9 फैक्टोरियल, ठीक है, अभी देखो इन अरेंजमेंट्स में क्या ये एकदम वैसा है ना कि सारे अरेंजमेंट बन रहे हैं, तो आधे बार 1 लेफ्ट में होगा राइट के, आधे बार राइट में होगा, ऐसा ही तो होगा, क्योंकि मान लो कभी 1 2 है तो एक अरेंजमेंट 2 1 भी है, कोई भी अरेंजमेंट है उसका उल्टा तो होना ही है, तो आधे नंबर्स में 1 लेफ्ट में, आधे नंबर्स में, तो लेफ्ट वाला क्या 2/2 हो गया इसका, ऐसे ही अगले के लिए आधे नंबर्स में 3 लेफ्ट में, आधे में राइट में, ऐसे अगले वाले में, ये थोड़ा जल्दी हो गया, इससे भी सेम आंसर आ गया, समझ पाए बात? ठीक है, चलो 12 के बाद 14, 5 इंडियन एंड 5 अमेरिकन कपल्स मीट एट अ पार्टी एंड शेक हैंड्स। If no wife shakes hands with her own husband and no Indian wife shakes hands with a male, पुराना क्वेश्चन है, अब ऐसा नहीं होता है, then the number of handshakes that takes place in the party, तो नॉर्मल लग रहा है, कर लिया कि फिर शामिल ने कर लिया है, और कोई प्रियांश ने तुम्हारा पता नहीं, तो फिर बताओ ये कैसे है, टोटल में से तो आ गया होगा आंसर, हाथ क्यों नहीं उठा रहे हो, बताओ, जतिन बताएगा। पहले बात तो आई थिंक 5 इंडियन कपल है, 5 इंडियन कपल है, जिसमें बेसिकली 5 हस्बैंड हो गए और 5 वाइफ्स हो गई, ऐसे ही 5 अमेरिकन कपल है, 5 हस्बैंड 5 वाइफ, पहले तो अगर सब एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं तो कितने हैंडशेक होते हैं, 20C2, 20 लोग हैं, अभी कल ही बात हुई थी ये, 20C2 माइनस, लेकिन हमें सबसे नहीं कराना है, माइनस क्या हो गया 5C1, 5C1 क्या है, हाँ तुम दो अलग अलग सब्ट्रैक्ट करने बोले, एक एक करके बताओ भाई, पहले क्या बता रहे हो, 5C1 क्या है, तो ऐसे 10 है ना,
इंडियन वुमेन वाला इंडियन वुमेन वाला हो जाएगा 5-7 कि कोई भी एक इंडियन वुमेन और कोई भी एक मेल ये हैंडशेक नहीं हुए ठीक है और 50 माइनस हो गए और अच्छा इंडियन वाले काउंट हो ही चुके ठीक है कई तरीके काउंट करने के सही बोल रहे हैं ये लोग भी कहना कि पहले वो केस सबट्रैक्ट करते हैं इंडियन वुमेन वाले तो इंडियन वुमेन के कितने केस हो गए इसमें इसमें तो सारे केस काउंट हो गए 5 इंडियन वुमेन है 5-7 इंटू 10 मैन वो किसी मैन से नहीं कर रही है 10-7 या तुम इसको नॉर्मली भी सोच सकते हो कि 5 इंडियन वुमेन है कितने हैंडशेक काउंट हो चुके हैं हो तो सारे चुके हैं इसमें हमें क्या हटाने इंडियन वुमेन कितने लोगों से कर सकते हैं 10 लोगों से एक वुमेन 10 ही तो मेल है 5 इंडियन मेल और 5 अमेरिकन तो 10 हर वुमेन 10 से नहीं करेगी 5 वुमेन है 50 से नहीं करेंगे ठीक है माइनस ये 5 वुमेन अमेरिकन वाली ये अपने हस्बैंड से नहीं करेंगी तो कितने हो गए ये 5 और नॉर्मली 5 दिख रहा है कि इनके 5 हैंडशेक नहीं हुए आपस के 20 से 2 हो जाएगा 190 माइनस 50 माइनस 135 आ रहा है ठीक है वेरी गुड हाँ कोई भी इंडियन वुमेन और कोई भी मैन नहीं कर रहा है हैंडशेक तो कितने हो गए केसेस 5 इंडियन वुमेन है तो 5 में से एक 5-7 10 मैन है 10-7 इसको तुम नॉर्मली भी सोच सकते हो हर इंडियन वुमेन के कितने ऑप्शंस हैं 10 ऑप्शंस हैं तो 5 वुमेन के लिए 50 ऑप्शंस वो सारे हटाने ना किसी इंडियन वुमेन ने किसी से नहीं किया है किसी मेल से चलो 14 के बाद 16 अपूर्वा तुम कितना एब्सेंट रहते हो यार 5 अमेरिकन वुमेन ने अपने हस्बैंड से नहीं किया है हाँ लिखा है नहीं ये लिखा है ना कि नो वुमेन शेक हैंड्स विद हर हस्बैंड इंडियन वाला इसमें काउंट हो गया ऑलरेडी इंडियन का हमने सारे मेल से कर लिया ना तो खुद के हस्बैंड से भी नहीं किया उन्होंने वो तो निकल गया ना ऑलरेडी उसमें सिर्फ अमेरिकन वाला रह गया या दो अलग अलग तरीके से काउंट कर लो कि कोई वुमन अपने हस्बैंड से नहीं कर रही 10 केसेस ही हो गए माइनस 10 करो और फिर इंडियन का अमेरिकन से कर दो 25 केसेस हो जाएंगे 5 इंडियन वुमेन 5 अमेरिकन वुमेन नहीं नहीं फिर वो उनको इंडियन मैन से भी देखना पड़ेगा वो लंबा होगा फालतू 16 कह रहा है द नंबर ऑफ एंड डिजिट नंबर्स विच कंसिस्ट ऑफ डिजिट्स 1 एंड 2 ओनली If each digit is to be used at least once is equal to 510, then it equals. ये तो orally question हो जाना चाहिए था। कितने लोगों का हो गया है? बताओ श्रेय। हाँ, नहीं two digit नहीं, end digit number है, जिसमें सिर्फ one और two use हो रहा है। वेरी गुड बिल्कुल सही बोल रहा है कह रहा है कि कितने डिजिट कितने के हम निकाल रहे हैं कि कितने नंबर ऐसे बन सकते हैं एंड डिजिट नंबर जिसमें सिर्फ वन या टू यूज हुआ हो और वन और टू दोनों कम से कम एक बार जरूर यूज हुआ हो तो पहले तो हम वो नंबर निकाल रहे हैं जिसमें सिर्फ वन और टू यूज होगा तो बताओ हर प्लेस के पास कितने ऑप्शन टू 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 तो टोटल नंबर कैसे कितने पॉसिबल है सिर्फ वन और टू से टू द पावर एन लेकिन इसमें वो केस भी होंगे जिसमें सारे में वन हो या सारे में टू हो वो केस हमें नहीं लेना था कि दोनों को एटलीस्ट एक बार आना चाहिए था तो सारे में वन हो क्या कितने केस हुए वो एक केस और सारे में टू हो वो भी एक केस ये दो केस हमें नहीं लेने थे यही दे रखा है कितना 510 टू द पावर एन 512 तो एन कितना हो गया 9 चलो 16 के बाद हाँ 17 कह रहा है देर आर काउंटर्स अवेलेबल इन एक्स डिफरेंट कलर्स द काउंटर्स आर ऑल अलाइक एक्सेप्ट फॉर द कलर द
टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कंसिस्टिंग ऑफ वाई काउंटर्स अज्यूमिंग सफिशियंट नंबर ऑफ काउंटर्स ऑफ ईच कलर इफ नो अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल कलर्स ऑफ सेम सॉरी ऑल काउंटर्स ऑफ सेम कलर. समझ गए, वाई काउंटर लगाने हैं और एक्स ऑप्शन अवेलेबल है हर एक काउंटर के लिए. कह रहा कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है, बस सारे काउंटर सेम कलर के नहीं होने चाहिए. बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है ये. बताओ पहले काउंटर के लिए कितने ऑप्शन, एक्स, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, सबके लिए एक्स है और कितने काउंटर्स हैं, तो वाई टाइम्स हो गया एक्स टू द पावर. लेकिन इसमें कुछ केस ऐसे भी होंगे, मान लो सारे सेम कलर क्यों, ऐसे कितने केसेस हो सकते हैं, एक्स केसेस, एक्स कलर है ना अवेलेबल, पहले कलर के सारे हो एक केस, दूसरे कलर के सारे हो एक केस, ऐसे ही एक्स केस हो सकते हैं इसमें सेम कलर के हो, जो कि हमें नहीं लेने. आ गया 17 के बाद 18. कह रहा है क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स ए बी एंड सी ईच कंटेनिंग 4 क्वेश्चन. In how many ways can an examinee answer 5 questions, selecting at least one from each part? So, किससे हो गया है? बस तो normal question है बहुत. ये क्यों नहीं हुआ? आर्या? क्या नहीं क्यों बस? क्या हो गया तुम्हें? क्या ऐसा क्यों एनर्जी डाउन रहती है? क्यों नहीं क्या होगा? क्यों नहीं क्या? इसका तो जवाब दो. स्कूल गई थी क्या आज? क्यों? अच्छा कोई बात नहीं. चलो तो बेसिकली 3 सेक्शन है, 4 क्वेश्चंस के, टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं और 1 क्वेश्चन तो करना ही है हर एक सेक्शन से. तो क्या पॉसिबिलिटी बन रही है? 3, 1, 1. अब 3 का मतलब ये नहीं कि सेक्शन 1 कहीं भी 3 हो सकता है, सेक्शन बी का ये अरेंजमेंट हो सकता है ना, या फिर 2, 2, 1 और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है. ठीक है, तो पहले तो किस सेक्शन से 3 करने ये चूज करो. तो कितने सेक्शन हमारे पास? 3 में से एक सेक्शन चूज करो, 3, 3, 1, उससे 3 क्वेश्चन कर लिए. 3 क्वेश्चन करने कितने तरीके? 4, 3, 3, 4 अवेलेबल है, 3 करने है. दूसरे सेक्शन से एक मान लो इससे ले लिए 3 क्वेश्चन, 4, 3, 3, इससे कितना करना है? तो 4 अवेलेबल है, एक ही क्वेश्चन करना है ना, 4, 3, 1 और या फिर ये पैटर्न ऑब्जर्व कर लो. तो पहले एक सेक्शन चूज करो जिससे 1 क्वेश्चन करोगे, तो 3, 3, 1, 3 सेक्शन है. पहले तुम एक सेक्शन चूज कर रहे हो, समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? या उसको इस तरह सोच रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 3 केसेस पॉसिबल है ना, वही 3, 3, 1 है, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 1. ठीक है, कर लेना चाहिए था वैसे. क्या कहाँ पर? क्या गलत किया है तो बताओ, क्या लिखा है बताओ. क्या 5 है? तो 12 से 5 ऐसा कर दिया था क्या? अच्छा 4 की जगह 5 ले लिया था, ये तो चलो गलती नहीं, तो बाई चांस की बात है. बाकी सब सही था. 3, 3, 1 किया था सेक्शन वाला, ठीक है फिर तो अच्छी बात है. चलो अगला डाउट 19. कह रहा है इफ एम डिनोट्स द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स इफ ईच सक्सेसिव डिजिट्स आर इन देयर डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एंड एन इज द करस्पॉन्डिंग फिगर व्हेन द डिजिट्स आर इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड
देन एम माइनस वन हैव द वैल्यू, हुआ क्या चीज है? हुआ क्वेश्चन समझ में तो आ गया है? एम वो सारे फाइव डिजिट नंबर है में जो डिजिट है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, और एन वो सारे नंबर है जिसमें जो डिजिट है वो असेंडिंग ऑर्डर में। कितने फाइव डिजिट नंबर बन सकते हैं जो असेंडिंग ऑर्डर में आएंगे, ये बताया क्वेश्चन। क्वेश्चन 12 जैसा सोचने वाला है, इसमें ऑर्डर मैटर मतलब वैसा वाला ऑर्डर नहीं कि केस मैटर कर रहा है। कितने डिजिट अवेलेबल है सिलेक्ट करने के लिए? फाइव डिजिट में लेने कितने डिजिट से? नाइन से क्यों लेने हैं भाई? टेन से लेने ना, टेन डिजिट होते ना जीरो से नाइन, उसमें से फाइव डिजिट ले लो, कोई भी फाइव ले लो। कितने तरीके? टेन से फाइव, और इसके कितने अरेंजमेंट? कितने अरेंजमेंट? फाइव डिजिट सिलेक्ट हो गए, एक ही तो अरेंजमेंट होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर, दैट्स इट। तुमने कोई भी फाइव डिजिट उठा लिए, अब क्या अरेंज करोगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दोगे? एग्रीड। ये हो गया एम। एन क्या है? सिमिलर लॉजिक है, लेकिन इस बार असेंडिंग ऑर्डर लगाना है। क्या फर्क पड़ा ये? वो तो 10 से 5 हो गया। तुम जीरो नहीं सिलेक्ट कर सकते, अगर जीरो सिलेक्ट करोगे तो उसको सबसे पहले लेना पड़ेगा और वो यूजलेस हो जाएगा। दैट मीन्स अब कितने ऑप्शन अवेलेबल है? 9 से 5। एम माइनस एन पूछा है, मतलब ये पूछा है 10 से 5 माइनस 9 से 5। अब एक तो तरीका है इसको कैलकुलेट करो, फिर ऑप्शन को कैलकुलेट करो और मैच कराओ। एक और तरीका है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, बताओ कौन सा था? NCR प्लस NC वो तो सारे सम, सबका सम होता था। R माइनस 1 इज इक्वल टू क्या? ये अच्छा, एक क्वेश्चन बता रहा है, एक क्वेश्चन आना जेई में, यही मान लो सब कुछ कर गए, एक फॉर्मूला छोड़ गए तो वही आ गया। अननेसेसरी मतलब फॉर्मूला नहीं याद कर रहे हो। एन प्लस वन सी आर आएगा इसी से है। देखो ये एन और ये एन माइनस वन, मतलब एन में एक का डिफरेंस है ना, और आर सेम है। इसको इधर ले आओ, क्या हो जाएगा? एन प्लस वन सी आर माइनस एन सी आर इज इक्वल टू एन सी। देखो इसी से मैच कर रहा है, एन प्लस वन टेन हो गया और एन नाइन हो गया, तो आंसर क्या आता है? एन मतलब नाइन, सी और आर एक कम हो जाता है तो फोर। ठीक है, वैसे भी निकालोगे लेकिन वो टाइम वेस्टेज है कैलकुलेट करना पूरा। नाइन से फाइव तो होगा, 9 से 4 किसके इक्वल होता है? चलो 20th में एड आउट, 20th में डाउट है। ये क्वेश्चन मेरे टाइम पे भी था, मेरी शीट में, मुझे याद आ गया है। किसी को डाउट? हाँ यही क्वेश्चन 20th कह रहा, अ रैक हैज, और मुझे बड़ी देर में समझ में आया था, कई बार टीचर ने समझाया मुझे तब मुझे समझ में आया था, इसलिए मुझे याद है क्वेश्चन। A rack has five different pair of shoes. The number of ways in which four shoes can be chosen from it so that there will be no complete pair. क्वेश्चन समझ में आ गया? Five pair of shoes हैं और हमें select करने हैं four shoes. और किस तरह select करने हैं? कि एक भी pair ना बने. तो कैसे कर सकते हैं? बताओ, डाउट नहीं है तुम लोगों का? बताओ, तुम उसका बताओ। सब साथ में ले लिया, पांच पेयर से पहले चार पेयर चूज किए, ठीक है। बिल्कुल ठीक भाई, हम क्या करेंगे कि हर पेयर से एक एक शूज ले लेंगे, लेकिन हमारे पास तो पांच पेयर है, लेकिन हमें सिलेक्ट कितने करने हैं? इसमें भी वैरायटी है, तो पहले तो ये चूज करोगे किस पेयर में से उठा रहे हो। फाइव से फोर, एक पेयर छोड़ना भी है ना जिससे नहीं लेना है,
फाइव से फोर पेयर चूज कर लेके इन चारों पेयर से उठाना है, और हर पेयर के लिए कितना ऑप्शन, पहले पेयर में दो ऑप्शन, चाहे राइट सोच लो चाहे लेफ्ट ले लो, ऐसे ही दूसरे पेयर से भी, तीसरे से भी, और समझ गए, ये हो गया 16 × 5 = 80। ठीक है, फाइव से फोर, पहले तो चार पेयर सिलेक्ट कर लिया तुमने, अब एक पेयर में तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, राइट शूज या लेफ्ट शूज, कोई भी ले लो। पहले पेयर, हर एक पेयर में दो ऑप्शन होगा ना, राइट या लेफ्ट। जब पहला हर पेयर से एक सिलेक्ट कर रहे हो, पांच पेयर रखे हैं, इमेजिन करो पेयर पेयर पेयर, तुमने पहले तो चार पेयर चूज किया, इन चारों से मैं एक एक जूता उठाऊंगा हर तरफ से, तो पहले तो फाइव से फोर ऑप्शन चले चार पेयर सिलेक्ट करने के, अभी पेयर सिलेक्ट किया उठाया नहीं है, इन चार से उठाना है, क्योंकि एक पेयर तो तुम उठा ही नहीं रहे हो, तो पहले फोर पे तो फाइव पे तो यही होगा कि कौन सा नहीं उठा रहे हो, मान लो तुम पांच नंबर का नहीं उठा रहे हो, उसको फेंक दिया तो कितने ऑप्शन हो गए, पांच ऑप्शन तो ऐसा ही है ना, एक नंबर से नहीं ले रहे हो, या फिर दो नंबर से नहीं ले रहे हो, या फिर तीन नंबर से, या चार से, तो पांच ऑप्शन तो पहले यही होगा कि किस पेयर से ले रहे हो तुम। ठीक, फिर तुम जिस पेयर से लेने गए वहां दो ऑप्शन है, या तो राइट शूज ले लो या लेफ्ट शूज ले लो, फिर दूसरा शूज लेने गए, फिर दो ऑप्शन, हर पेयर में दो दो ऑप्शन है ना, कोई भी ले लो राइट या लेफ्ट। आ गया ना, क्या क्या था, नंबर ऑफ वेस्ट, टोटल नंबर ऑफ वेस्ट, टोटल नंबर ऑफ वेस्ट क्या निकाले तुमने, 5/5 factorial, ये कैसे हो गए, अरे नंबर ऑफ वेस्ट 5 factorial कैसे हो गए, 5 तरीके क्यों है, पहले 5 ऑप्शन है, पहले 10 ऑप्शन है ना, 5 पेयर है, 10 शूज है, तुम पेयर से एक ही ले रहे हो, मैं समझ गया तुम कर रहे हो कि पहले हर पेयर से एक लेना, तो पहले एक पेयर से, हाँ ठीक है 120 मान लिया, फिर क्या माइनस का, सबसे पहले 120 निकाले टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग फोर शूज, फोर डिफरेंट शूज, ठीक है 120। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सोचने दो भाई, फाइव पेयर में तुम कह रहे हो कि 120, चलो हाँ फिर क्या माइनस करा, क्या दो नहीं, वैसे भी रेपिटेशन इसमें हो रहा है, सही नहीं है बाई चांस, आंसर मैच कर गया होगा, दैट्स नॉट राइट, ये तो बाकी सीधा अप्रोच है, ये क्यों नहीं देख रहा है, और कोई डाउट किसी का, ठीक है तो अभी कितना काम कर लेंगे, क्लास वर्क और होमवर्क मिला के, हाँ क्लास वर्क में हो जाएंगे 25 तक तो ही जाएंगे, और होमवर्क में 41 तक कर लो, 40 तक कर लो, चलो 15 क्वेश्चन तो करेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 तक कर लेना है, ठीक है क्लास वर्क और होमवर्क करना शुरू करो।